अब जापान की घेराबंदी क्यों कर रहा है रूस? अमेरिका ने जर्मनी में बड़ी संख्या में क्यों तैनात किए फाइटर जेट? और रूस यूक्रेन विवाद में क्यों कूदा वेनेजुएला? वॉर जोन की खबरों के लिए देखिए टॉप 9 विश्व युद्ध तय। यूक्रेन की घेराबंदी करने में जुटे रूस ने अब जापान को सख्त संदेश दिया है। रूस ने जापान के पास समंदर में 24 के करीब युद्धपोत, जंगी जहाज और फ्रिगेट्स को मोर्चा पर लगा दिया है। परमाणु क्षमता से लैस रूस के युद्धपोतों को 24 घंटे एक्टिव मोड पर रखा गया है। जापान के पास महाविनाशक हथियारों की तैनाती बेहद असामान्य मामला है। एक्सपर्ट के मुताबिक रूस को लग रहा है कि अमेरिका और नाटो के साथ भीषण युद्ध में जापान की एंट्री भी हो सकती है। ऐसे में प्रेसिडेंट पुतिन जीरो रिस्क की पॉलिसी पर चल रहे हैं। जापानी रक्षा मंत्री नोबुआ किशी ने जापान सागर में रूसी फौज के शक्ति प्रदर्शन को उकसाने वाला कदम बताया। जापान ने कहा कि पुतिन दिखाना चाहते हैं कि रूस कई मोर्चों पर एक साथ लड़ सकता है, पर रूस का ये कदम बेहद खतरनाक और ग्लोबल शांति के लिए हानिकारक है। यूक्रेन पर रूस के हमले की आशंका के बीच अमेरिका ने यूरोप में अपनी हवाई क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया है। अमेरिका ने जर्मनी में रिजर्व रखे गए F-35 लड़ाकू विमानों का एक पूरा बेड़ा तैनात किया है। अमेरिका के घातक फाइटर जेट 24 घंटे जंग के लिए एक्टिव मोड में रखे गए हैं। यूक्रेन के खिलाफ वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो ने रूस का खुला समर्थन किया है। उन्होंने वेनेजुएला की तरफ से रूस को सैन्य सपोर्ट का वादा किया, तो रूस भी अब वेनेजुएला में न्यूक्लियर वेपन तैनात करने की प्लानिंग कर रहा है। यूक्रेन के मुद्दे पर रूस को सीनियर अमेरिकी अधिकारी की वार्निंग ने युद्ध की आशंकाओं को बढ़ा दिया है। अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक इस नरसंहार के लिए पुतिन ही जिम्मेदार होंगे और यूक्रेन पर हमला हुआ तो लाशें ही लाशें मास्को लौटेंगी। इस्टोनिया के फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस चीफ ने रूस के हमले की आशंका जाहिर की है। जनरल मिक मैरन ने कहा कि यूक्रेन तलवार की धार पर टिका है और रूस कभी भी कुछ चुनिंदा इलाकों में लिमिटेड अटैक कर सकता है। इदलिब में सीरियाई फौज के मिसाइल अटैक में 4 नागरिकों की जान चली गई। सीरियाई फौज ने विद्रोहियों के फ्यूल टैंक को निशाना बनाकर मिसाइल अटैक किया था, जिससे मौके पर भीषण आग भड़क उठी। इस इलाके में सीरियाई फौज ने एक के बाद एक 13 मिसाइलें दागी। इजराइल ने गोलन हाइट्स के सतह से सतह पर मार करने वाली कई मिसाइलों से सीरिया के कई इलाकों पर भीषण अटैक किया। इस मिसाइल अटैक के जरिए दमिश्क रीजन में ईरानी और सीरियाई आर्मी के अड्डों को टारगेट किया गया। इससे दमिश्क क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।